नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जैसे जैसे तीनों एजेंसियां यानी सीबीआई, ईडी और एनसीबी आगे बढ़ रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से ड्रग का रैकेट सामने आया है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुंबई में कितने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है। एनसीबी ने आज सुबह सुबह ही रिया चक्रवर्ती और सोविक चक्रवर्ती उनके भाई के घर पे छापा मारा। 5 सदस्यों की टीम पहुंची और उनके घर में सर्च करने लगी, उनकी गाड़ी को सर्च करने लगी। संभवतः वो ड्रग्स की तलाश कर रही है। माना यह जा रहा है कि जो हाल के दिनों में चैट मिले हैं, उस चैट में से साफ इंगित हो रहा है कि रिया और सोविक दोनों जो है ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। एनसीबी के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सोविक ने अब्दुल बासित से ड्रग्स ली थी और उस एनसीबी ने जैद बिलात्रा नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। अब्दुल बासित ने ही जैद और सोविक को मिलवाया था। 17 मार्च 2020 को सोविक सैमुअल मिरांडा के बीच चैटिंग हुई थी। उसमें सोविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद बिलात्रा का नंबर दिया। सैमुअल ने जैद को 10 लाख रुपए 5 ग्राम ड्रग्स खरीदने के लिए देने को कहा था। इसके बाद सैमुअल मिरांडा ने जैद से संपर्क किया था। सैमुअल मिरांडा ने जैद को 3 बार कॉल किया था। लोकेशन एनालिसिस बताता है कि 17 मार्च 2020 को जैद और सैमुअल की लोकेशन एक ही थी। एनसीबी इस चैट के आधार पर जाँच कर रही है। देखिए कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। महिला अधिकारी यहाँ पर साथ में मौजूद है, जो पुलिस है वो पहले आप देख सकते हैं अंदर जा रही है। मेरे को वीडियो भेजना, वीडियो भेजना ये वाला। हाँ, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सैमुअल के घर पे भी एनसीबी की टीम पहुंची है और साथ में मुंबई पुलिस भी है। तो इस तरीके से ये बात निकल करके आ रही है अभी तक की छानबीन में कि ड्रग्स लिया जा रहा था, अब कौन कौन उसे कंज्यूम कर रहा था, या किसी को ज़बरदस्ती दिया जा रहा था, धोखे से दिया जा रहा था, ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। बट ड्रग्स की बात लगभग साबित होती हुई सी दिख रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना।